किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ITR ई वेरीफाइड है या नहीं है। पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, आपको ई वेरीफाइड तुरंत ही कर लेना है। कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, किस ऑप्शन का यूज करके वेरीफाई करना चाहते हैं, टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है ई वेरीफाइड हो चुका है। यदि आपने खुद से या फिर कहीं बाहर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करवा दिया है, लेकिन अभी भी आपने उसे ई वेरीफाई नहीं करवाया है, तो आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आपको ई वेरीफाई करना जरूरी होता है। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ITR ई वेरीफाइड है या नहीं है, और नहीं है तो किस तरीके से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिला ये वाली वेबसाइट। उसके बाद से यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद से चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है और थोड़ा नीचे की साइड आ जाना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, कंटिन्यू कर देना है। आपको लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसे सोल्यूशन वाली वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके केस में इनका ITR फाइल हो चुका है लेकिन ई वेरीफाइड नहीं है। देखिए इसको चेक करने के लिए आपको ई फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। देखिए ये ई फाइल करके ऑप्शन है और पहले वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन होकर के आएगा, इसमें दूसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ है व्यू फिलेड रिटर्न्स, आपको इसी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके केस में एक इन्होंने फाइल किया है अभी तक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू डिटेल्स करेंगे ना तो दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन व्यू डिटेल्स करेंगे ना तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा कब आपने फाइल किया था, और यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन और ई वेरीफाई रिटर्न्स का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके का इशू है ना तो आपको ई वेरीफाई तुरंत ही कर लेना है। तो कैसे करना है, देखिए ई वेरीफाई वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। अगले इंटरफेस कुछ स्टेप से ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं तीन स्टेप में प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ओरिजिनल आपने फाइल किया है आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। कभी कभी यहाँ पे डिटेल शो नहीं करता है तो एक बार आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है या फिर दोबारा से ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिला है कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, किस ऑप्शन का यूज करके वेरीफाई करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाएगा, आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और जनरेट, देखिए जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP फाइनली चला जाएगा, ये OTP एंटर करना है और उसके बाद से वैलिडेट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हमने OTP एंटर कर लिया है, देखिए यहाँ पे देखने को मिला, आप यहाँ से मैच भी करा सकते हैं कि सही से आपने एंटर किया है। अब हालांकि रिसेंड करके दोबारा मंगा तो सकते हैं कि अगर आपके पास नहीं आया तो, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक बार ही अलाउ है, केवल एक बार ही रिसेंड कर सकते हैं। अब देखिए वैलिडेट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे फाइनली हमें देखने को मिलेगा कि हमारा ITR वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है ई वेरीफाइड हो चुका है। ट्रांजेक्शन ID आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डैशबोर्ड पे यहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं सक्सेस लिखा हुआ है और यहाँ पे बताया गया है छोटे छोटे अक्षरों में कि आपका ये कंफर्मेशन है सफलतापूर्वक आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा। गो डैशबोर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए व्यू ITR स्टेटस देख रहे हैं तो यहाँ पे फाइल हो चुका है, आप देख सकते हैं। बाद में अगर कोई गलती हो गई तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिवाइज करने से पहले ध्यान देना है कि आपको ई वेरीफाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसका स्टेटस आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखिए ई फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इनकम टैक्स वाले जाएंगे और यहाँ पे व्यू फिलेड रिटर्न्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। इससे पहले ई वेरीफाइड करने के लिए बोला जा रहा था, अब यहाँ से रिसिप्ट करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिसिप्ट को और देख सकते हैं कि आपने सारा कुछ डिटेल ठीक भरा है या नहीं भरा है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, आप काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जाए हिंदी बात बंदे माता।